अच्छा करती हूँ, सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ चल रही है पेंटिंग चद्दर पे। अभी पैक करके दिखाती हूँ ये। मम्मा उतना पोर्शन हो चुका है, वो दिखाना कितना इधर हो चुका है। पूरी चादर पेंट हो रही है क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल के लिए, और ये पहले हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले पिल्लो पे थोड़ा सा किया था। इसकी आउटलाइन अभी नहीं की है फिलहाल पर, लेकिन करके देखा तो शेड ठीक आया तो फिर इस पर भी कर दिया है। एक ही फूल हुआ है अभी, बाकी अभी पूरी चादर बकाया है, हो रही है। जब हो जाएगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी एक बार। गाइस, आप लोगों को पता है मैं रेडी क्यों हुई हूँ? मैंने न्यू कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि मैं जाऊँगी अभी स्कूल, और स्कूल फ़ोन आज लेकर जाऊँगी क्योंकि काम है, वरना चाहे पापा नहीं भी लेके भेजते फ़ोन, लेकिन अब फ़ोन लेकर जाऊँगी तो ब्लॉगिंग भी करूँगी और अपना स्कूल भी दिखाऊँगी, अपना लाल किला। आसपास के लोग उसे लाल किला कहते हैं क्योंकि पूरा रेड पेंट है उस पर इस वजह से, और अपना स्कूल भी दिखाऊँगी। आप लोगों को पता है मैं डेली ब्लॉगिंग की वीडियो शूट तो करती हूँ पर इतनी नहीं करती। मेरे को खुद पता है मेरे को ब्लॉगिंग तो इतनी करनी नहीं है, मेरे को बस कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो मेरे को लाइफ टाइम के लिए चाहिए, तो इस वजह से भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ अगर मेन बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो। और बाकी ऐसी ऐसी ब्लॉगिंग वो तो नहीं करती हूँ, और आज है कुछ अलग तो मैं दिखा दूँगी। पढ़ते समय के साथ मैं खुद अपना स्कूल बाद में देख सकूं कि मैंने कौन से स्कूल में मतलब पढ़ाई की, किसी को दिखा सकूं कि मैंने ये से स्कूल में की थी। और वैसे मैं फ़ोटोज़ वगैरह रखूंगी तो कभी ना कभी डिलीट भी हो जाते हैं और फ़ोन भी ख़राब हो जाता है, पर ये ख़राब भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने का, इसमें कोई सा वायरस नहीं आएगा। चीज़ें दिखा सकूँ इस वजह से। तो चलिए अब जाएंगे तब वीडियो शूट करेंगे। और इतने दिन हो गए मैंने वीडियो क्यों नहीं शूट की, ये वजह नहीं पूछी है? अभी वो नहा चुका है अभी। आप लोग पूछेंगे नहीं क्यों नहीं की, क्योंकि अब मेरा पैर बाबू चुप, पापा कभी परवू, ये दोनों बहुत रिटेट करते हैं। नहीं मैं नहा चुका हूं अभी। हाँ तो मेरा पैर पक गया था, इस वजह से फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की फिर से, क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था एक जगह बैठ के कितनी सारी वीडियो शूट करती। और इधर बना रही है मम्मी चादर, और मैंने भी इसमें थोड़ी सी पेंटिंग की। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पेंटिंग नहीं की, पर लेकिन मैंने थोड़ी सी की, बाकी मम्मी नहीं की क्योंकि मम्मी की ड्राइंग मेरे से ज़्यादा अच्छी है। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप ही कर दो, और मैंने बाकी का अपना जो काम था वो देख लिया, जैसे घर का थोड़ा बहुत काम था, और बाकी प्रैक्टिकल में और चीज़ें बन रही है। जैसे वेस्ट मटेरियल से दो चीज़ें मैंने बनाई हैं, एक विच हाउस बनाया है और एक फ्लावर पॉट बनाया है, तो वो चीज़ें बनाई हैं। और सलवार कुर्ता बनना था वो तो पहले से ही रखा था तो वो हो जाएगा, पर लेकिन हाँ मेरी अभी फ़िलहाल चादर पेंट हो रही है और रियल में ही पेंट हो चुकी है। एक दिन में ही पेंट कर ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और अब हम जा रहे हैं अपने स्कूल की तरफ, ये है मेरे स्कूल जाने का रास्ता। और फिर मैं वीडियो शूट कर रही थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कैसे फ़ोन पकड़ूँ, कैसे सीधा है, पर लेकिन जैसे मैंने पहले पकड़ा वही सही था, और वीडियो शूट नहीं हो पाई तो फिर मैंने कहा चलो नहीं करते हैं। और इधर वर्तिका ने बनाए थे क्ले से बाबू, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और फर्स्ट टाइम वर्तिका ने अपनी ऐसी कोई क्राफ्ट की थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। वो सोच रही थी मैं क्या मतलब करूँ और क्या ना करूँ। उनने बाबू बनाए, पालना तो ये वो वाला है जो हम मथुरा से लेकर के आए थे। बहुत बोल गई एक बार, मम्मी भी बोलती है कि तू इतनी जल्दी जल्दी बोलती है कि मतलब सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कितनी जल्दी बोल रही है तू। और वीडियो हल्के बोला कर, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो हल्के हल्के बोलते हैं, पर मेरी आदत है पता नहीं क्यों, वीडियो मेरे को लगती है छोटी सी है और बोलना बहुत कुछ होता है, इसलिए फिर मैं तेज़ तेज़ बोल देती हूँ फटाफट। और ये बनाए हैं बाबू ने मतलब वर्तिका ने लड्डू गोपाल, और ये केक बनाया है पाइन एप्पल फ्लेवर, कह रही थी मेरा तो मन कर रहा है इसे खा जाऊँ छोटा सा। और ये भी हम मथुरा से ही लेकर के आए थे, और अपने वाले बाबू अब उसने ऊपर रख दिए और वो वाले बाबू नीचे रख दिए। ये लाए थे हम अपने बाबू के लिए थे, पर लेकिन फिर बाबू इस पर फिट नहीं बैठे, उस टाइम हम नाप कर नहीं लेकर आए थे इस वजह से। और मम्मी ने बनाई फिर फेनी, क्योंकि फेनी सुबह के नाश्ते में इतनी जल्दी हो नहीं पाती है क्योंकि घर से आओ फिर लेट हो जाता है और फिर खाने का टाइम हो जाता है, तो दोपहर में जब या शाम के टाइम पे जब इच्छा करती है तो ही बना लेते हैं, दोपहर और शाम के बीच में जब हल्का सा खाने की इच्छा करती है। और इधर पापा कर ले अपने हेयर कलर, पापा बाहर कभी भी नहीं करवाते, अपनी शेविंग भी करनी होती है वो भी घर पे ही करते हैं, बाल डाई करने होते हैं वो भी घर पे, वो मतलब बाहर कुछ भी नहीं कराते। और इतनी देर में हमारी सेवैयाँ बन के हो चुकी हैं रेडी, और मम्मा ही खाती हैं ज़्यादातर, पापा भी नहीं पसंद करते और ना कोई पसंद करता है, मम्मी खा लेती है। हाँ ये ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी, बनती हैं तो खा लेती हूँ,
पर लेकिन इतनी पसंद नहीं है जितनी मम्मा को पसंद है। मम्मा ही खाती हैं और मम्मा ने सर्व भी कर ली। और मैं तो थी नहीं, मैं तो स्कूल गई हुई थी। और ये आए हैं पेंटर और अभी होगी हमारे घर पे पुताई, क्योंकि मतलब पुताई हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो अब होगा पेंट। और पापा इनके साथ जाएंगे सामान लेने, फिर कल होगा पेंट। और वीडियोस काफ़ी दिन से इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में अब रहता नहीं है और फिर प्रैक्टिकल का भी देखना है और अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं हाफ ईयरली, तो इस वजह से फिर वीडियो नहीं शूट हो पाती है। और इंटर क्लास है तो और भी ज़्यादा। और ये ले आए चाचा पीछे से भिंडी तोड़ के, क्योंकि भिंडी खा खा के हम लोग एक तरीके से ऊब गए हैं तो अब हम बाटी देते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से। फिर पापा ने उन्हें थैला दिया और वो गए। और फिर हमने थोड़ी सी शॉर्ट्स बनाई। शॉर्ट्स से बनाने में टाइम ऐसे निकल जाता है, एक शॉर्ट बनाने में इतना टाइम लग जाता है पता ही नहीं चलता इतना टाइम लग गया, इससे कम तो मतलब लॉन्ग वीडियो शूट करने में चला जाता है। और देखिए अब वर्तिका आ चुकी है घर पे। वर्तिका ने वॉइस तो की थी, वॉइस बनाते बनाते ही वीडियो बनाई थी, पर लेकिन ये वॉइस मतलब ये फ़ोन पता नहीं कैसा हो गया, वॉइस कह रही हूँ ये फ़ोन पता नहीं कैसा हो गया, इसमें वॉइस मतलब कैच ही नहीं हो पाती। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता है मैं कर रही हूँ, पर लेकिन ये मतलब फ़ोन कैच नहीं कर पाता आवाज़। और वर्तिका बोल तो ज़रूर रही है। और किचन भी हमारी पेंट हो चुकी है और बाहर वाला पूरा एरिया पेंट हो चुका है। मम्मी ने कहा पहले बाहर वाला एरिया पेंट कर दो फिर अंदर वाला एरिया पेंट करना, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कभी भी बरसात हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से हम अभी मतलब अंगेता अपना पुतवा लेंगे, बरामदा बोले तो हमारे यहाँ जो शब्द बोलते हैं हम वही बोल देते हैं वीडियोस में, ये नहीं सोचते। हम मम्मा बोलती हैं कि मतलब कुछ शब्द ऐसे बोल जो कि सामने वाले को समझ में आए, जैसे कि पीली मिट्टी बोलते हैं और हमारे यहाँ उसे वो पढ़ोर बोलते हैं चिकनी मिट्टी को, तो मैंने वीडियोस में बोल दिया था तो मम्मी कह रही थी बंदा कंफ्यूज हो जाएगा तो कह क्या रही है, पर लेकिन हाँ इसे हम बरामदा बोल सकते हैं। तो पहले इसमें पेंट करा लेंगे, इसका सामान अंदर वाले रूम में कर लेंगे क्योंकि इसमें सामान कम है, और फिर अंदर वाला बाहर वाला है तो ऐसे ही करके कर लेंगे क्योंकि बरसात आ गई फिर सब सामान एक साथ अंदर नहीं कर मिलेगा। और किचन हमारी पेंट हो ही चुकी है क्योंकि उस पर आधे से ज़्यादा तो टाइल्स थी और थोड़ा सा एरिया था, तो पहले किचन भी पेंट करा ली। और ये है पूरा रूम जो कि पेंट हो रहा है। फ्रिज हमने अंदर रखा नहीं क्योंकि क्या नाम है अभी कोई ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, और उस पर कपड़ा डाल दिया। और ये भी पेंट होगा, पूरा गेट मतलब ख़राब हो चुका है। अंदर वाला एरिया तो खैर साफ़ सुथरा था क्योंकि हम रहते ही नहीं है ज़्यादा, पर फिर भी करवा दिया पेंट और गेट वगैरह बहुत ख़राब हो रहा था। और ये छोटी छोटी दीवारें हैं जहाँ मतलब प्लास्टर हुआ है सभी जगह करवा दिया। सामान है ये कुछ, इनका कुछ निकला हुआ खाना तो यहाँ बनता नहीं है पर फिर भी यहाँ सामान है तो इन्हें ठिकाने तो लगाना ही है, तो पूरा मतलब पेंट हो चुका है। और वर्तिका को हमने सफाई पे लगा दिया था क्योंकि मैं अभी बैठी हुई दुकान पे और अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रही हूँ क्योंकि उसमें भी बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। गाइस यार क्या क्या दिक्कत आपको बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये हैं गणपति बाबा जो कि मम्मी ने अपने हाथों से कैनवास पे पेंटिंग की थी डायरेक्ट, तो वो ख़राब हो गई थी तो मैंने उस पर कैलेंडर वाले गणपति जी लगा दिए। ये दुल्हन मम्मी ने चार्ट पेपर पे बनाई थी, वैसे मैंने आपको क्राफ्ट में बताया पर डिटेल में कुछ भी नहीं बताया, तो आज वर्तिका ने वीडियो शूट कर ली तो मैंने सोचा बता देती हूँ। ये मम्मी ने चार्ट पेपर पे बनाई थी ये दुल्हन, और फिर मतलब उसे जड़वा लिया फ्रेम करवा लिया तो अच्छी लगने लगी थी। और अब थोड़ी पुरानी हो गई इसलिए इसकी पन्नी वगैरह थोड़ी छूट गई है, बाकी तो ज़्यादातर जो पेंटिंग हमने करवाई हैं जड़वाई हैं मतलब वो कांच में करवाई हैं, पर लेकिन ये ऐसी करवा ली थी क्योंकि ये चार्ट पेपर की थी। और मरम्मत होके हो रहा है पेंट हमारा, और देखिए पेंट भले ही करवाओ पर लेकिन पूरे घर को लगना पड़ता है यार, शरीर में तो इतना दर्द होने लगता है ना रात को बहुत ही ज़्यादा। और अब बस थोड़ा ही पेंट रह गया नीचे की तरफ, बाकी ऊपर से होता हुआ आ रहा है और पूरा हो भी चुका है। और देखिए इस वजह से अंदर वाला तो पूरा रूम फैल चुका है। और ये जो सामने आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है ये भी मम्मा ने ही बनाई है राधा कृष्ण जी की, जो कि वर्तिका भी आपको सीधी करके दिखा रही है, और मम्मी ने अपना नाम भी लिख रखा है सुजाता। और रियल में बहुत ही अच्छा कलर शेड दिया है, मम्मा ड्राइंग की टीचर जो रह चुकी हैं, मम्मा को रियल में ड्राइंग करना बहुत पसंद है और अच्छी भी है। ये तो वॉच है ही जो कि सबके घर होती है। और ये फोटो है वर्तिका का हमारा गोलू मोलू का, बचपन में वो बहुत ज़्यादा ही मोटी थी और रियल में बहुत ज़्यादा अच्छी भी थी, और अब तो खैर थोड़ी पतली हो गई है और हर बंदा उसे टोकता भी है कि तू इतनी पतली क्यों हो गई। और रियल में बचपन में वैसे भी हर बंदा अच्छा लगता है, और मतलब वर्तू तो सबसे ज़्यादा हम तीनों में सबसे ज़्यादा ही अच्छी लगती थी क्योंकि वो मोटी थी। और ये मेरा फ़ोटो है जो कि वर्तिका भी ठीक से दिखाएगी, वो ठीक ही नहीं कर रही है कैमरा लग रहा है, मेरा फ़ोटो आएगा अभी आज की डेट में या नहीं आएगा। ये जब मैं एक साल की हो गई थी तो मम्मा पापा ने मतलब करवाया साइड से हैप्पी बर्थडे और मेरा फ़ोटो।
बहुत ही प्यारी लग रही हूँ मैं सच में, पर तो सभी ज्यादा ना गाइस। बहुत प्यारी, कितनी मासूमियत है मेरे चेहरे पे। और ये पायल मेरी खो गई, ये मेरी नानी की मतलब वो थी, नानी ने मुझे दी थी। और यही सब सामान, और जब पुताई होती है तो कुछ सामान तो ऐसे मिलते हैं जो मतलब हम मतलब खो जाते हैं हमसे, या कैसे भी मिलते ही नहीं है, जो लंबे समय से वो चीज़ जब पेंट होता है घर में तो मिलती है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो छोटी छोटी चीज़ें हमारी पुरानी हो या नहीं हो, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी लगती हैं। और ये मूर्ति वगैरह हैं ये तो पहले ही चलती थी ज़्यादातर, अब तो कम ही चलती हैं, पर लेकिन हाँ इनकी सफाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इन्हें जब साफ़ करो तो इनके मतलब ये वाइट वाइट दिखने लगता है, पर लेकिन मुझे ये अच्छी बहुत लगती हैं। और ये मेरा क्राफ्ट का डब्बा है, जो वेस्ट मटेरियल होता है मैं इस डब्बे में करके रख लेती हूँ। मैं ये आइडिया आपको भी देती हूँ कि अपनी वेस्ट चीज़ें अपने एक मतलब पेटी बना लीजिए कार्डबोर्ड की, या डब्बा बना लीजिए कोई सी भी रख लीजिएगा, क्योंकि बाय चांस कोई आइडिया ऐसा होता है अगर आपको क्राफ्ट करने का शौक़ है, और क्राफ्ट करने का शौक़ नहीं भी है तब भी रख लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ आपको कभी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो बहुत आपको काम देंगी आगे चल के। तो मैं तो अपनी रख लेती हूँ फ़िलहाल, अब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जो मैं क्राफ्ट कर सकूं। बाकी मेरी पहले की काफ़ी सारी क्राफ्ट ऐसी हैं जो मैं करती थी और बहुत अच्छी होती थी। और ये है झालर जो कि दीपावली पे लगती है, ये मैंने लगाई नहीं थी क्योंकि फिर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ लगाऊं, और अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो मैंने इन्हें घर मतलब उठा के रख लिया, बाई चांस कभी ना कभी काम आई जाएंगी। और इधर हो रही है प्रभु की पिटाई, सुनिएगा ये तो रियल वॉइस में सुनने में मज़ा आएगा। सुना आपने कि क्या क्या लड़ाई हो रही थी? ये बात हो रही थी कि पर ज़्यादा ना घूमे, और अम्मा उसको कह रही थी कि बच्चा है थोड़ा तो घूमेगा ही, इस वजह से फिर अम्मा और बाबा में फाइट, वो अम्मा और बाबा नहीं, अम्मा और बाबा में भी फाइट हुई है, मम्मी से भी अम्मा बाबा की हो गई इस बात पे। और यहाँ बना रहे हैं वर्तिका का हम प्रोजेक्ट, क्योंकि वर्तिका को बनाना है वाटर फिल्टर, उसका अपना प्रोजेक्ट है वाटर प्योरीफायर का, और ये ग्लास चिपक ही नहीं रहे आज की डेट में, बनेंगे ही नहीं। और मैंने इनके चक्कर में 4-5 बार ग्लास ख़राब कर दिए, छेद किए, हॉट ग्लू गन से भी चिपकाए, पहले सोचा क्ले से चिपकाते हैं फिर नहीं चिपके, फिर हॉट ग्लू गन से चिपकाने की कोशिश की नहीं चिपके, फेविक क्विक तक लगा दिया उससे भी नहीं चिपक रहे थे, फिर हमने सोचा नहीं बनेगा, और फिर सब करके लास्ट में बना भी दिए, चलो सब करके चिपका भी दिए। उसके बाद वर्तिका ने जो रेड डाला था या वो है, तो वो पानी मतलब वो आगे पास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक में मोटी गिट्टी पड़ी थी, फिर उससे छोटी, फिर उसमें रेत, फिर कॉटन, तो वो प्यूरीफायर कर ही नहीं पा रहा था, पानी को क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो फिर ये बिल्कुल बेकार प्रोजेक्ट रहा। और वर्तिका ने कह दिया मैम मेरे से तो बन नहीं रहा, मैं सामान ले आती हूँ और स्कूल में बना लेंगे। फिर वर्तिका लेकर भी गई, ये मेरे को नहीं पता वर्तिका ने मतलब बनवाया है स्कूल में या नहीं बनवाया, पर लेकिन हाँ घर पे तो ये हमसे हुआ नहीं, हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, और नीचे का कार्डबोर्ड भी बनाया, सब कुछ करा, पर लेकिन वो रेत ने, मेन तो रेत ने ही मतलब पानी पास नहीं होने दिया, और फिर हमारा ये प्लान फ्लॉप हो गया। ये प्लान फ्लॉप हुआ, पर लेकिन आपने वीडियो तो लास्ट तक देखी, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करें।